अगर आपसे कोई पूछे कि आपने सीएनजी से चलने वाले तीन पहिया ऑटो में कितनी सवारियों को बैठे देखा होगा, जाहिर है आपका जवाब होगा तीन, चार या बहुत ज्यादा तो पांच सवारियां। लेकिन फतेहपुर में एक ऑटो को पुलिस ने जब चेकिंग के लिए रोका तो सवारियों की गिनती कर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक ऑटो में बस के बराबर सवारियां कैसे आ सकती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस तीन पहिया ऑटो में एक, दो, तीन नहीं बल्कि कुल 27 सवारियां बैठी हुई थी। दरअसल ये वायरल वीडियो है यूपी के फतेहपुर जिले का, और इस वायरल वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे कर लिया भाई। दरअसल एक ऑटो रिक्शा वाले को पुलिस ने बीच रास्ते में रुकवाया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। ऑटो रिक्शा में इतने लोग भरे हुए थे कि जब एक एक करके वो बाहर आए तो पुलिस भी देखती रह गई। ऑटो में एक ड्राइवर और कुछ बच्चों सहित कुल 27 लोग सवार थे। पुलिस ने ऑटो को रुकवाया और एक एक को उतार कर गिनती शुरू की और ये जाकर 27 पर खत्म हुई। पुलिस जब ऑटो से लोगों को उतार रही थी तभी किसी ने मोबाइल से इसका पूरा वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स चर्चा कर रहे हैं कि भला एक ऑटो में 27 लोग कैसे बैठ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में चौराहे पर पुलिस ने एक ऑटो को रोका। ऑटो काफी तेज गति से जा रहा था इसीलिए पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। पुलिस ने ऑटो चालक को बाहर आने को कहा और सवारियों को भी बाहर निकलने को कहा। ऑटो से एक एक कर बच्चों और अन्य लोग जब बाहर निकाले और उनकी गिनती शुरू हुई तो पुलिस को भी गुस्सा आ गया कि इतने लोग ऑटो में क्यों ठूस रखे थे। ये देखकर वहां खड़े लोगों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोगों की गिनती के बाद पुलिस ने ड्राइवर अमजद को फटकार लगाते हुए ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बकरीद की नमाज अदा करके ऑटो रिक्शा में सवार होकर तेज रफ्तार से अपने गांव वापस जा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ऑटो में सवार लोगों में कुछ बच्चे थे, अन्यथा सभी जवान और अंधेड़ थे। फिलहाल घटना स्थल पर मौजूद लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। तो आप भी इस वायरल वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।